हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बीते कुछ सालों में खास करके हिंदी न्यूज़ चैनल्स, अगर आप इनका रिपोर्टिंग का पैटर्न देखेंगे तो आपको अफसोस लगेगा कि एक हिंदी न्यूज़ चैनल इस तरीके से कम्युनल बातें या इस तरीके से सरकार की जो अचीवमेंट्स है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो इन अ वे आप कह सकते हैं कि ये आज के डेट में एक सरकार का प्रोपेगेंडा मशीन बन चुका है। और दूसरी बात, भारत अच्छा इसलिए है, बेहतरीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और तकरीबन सभी धर्मों के लोग बहुत ही शांति से रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज़ एंकर हैं, अगर आप उनका स्टेटमेंट को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में ये आएगा कि वो किस तरीके से दो अलग अलग धर्मों के बीच में अपने शब्दों का इस्तेमाल करके उनमें खटास पैदा करते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए NBDA, या इसको इनफैक्ट NBDSA भी कहते हैं, इन्होंने एक फैसला लिया जहां पे कुछ न्यूज़ चैनल्स को वो पनिश कर रहे हैं और बाकी कुछ ऐसे एपिसोड्स थे जिसको कि हटाने की बात की गई है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे और ये भी हम समझेंगे कि आखिर में ये NBDA या NBDSA क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। ये था इंडियन एक्सप्रेस का 28 अक्टूबर 2022 का आर्टिकल है जहाँ पे ये बताया गया है कि NBDSA क्या है। तो NBDSA का जो फुल फॉर्म है वो है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। अब किसी भी देश में या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं। तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि NBDA या NBDSA, ये एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है जो न्यूज़ चैनल्स को, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स को उनके एथिक्स, उनके कोड ऑफ कंडक्ट, या कह लें कि एक लमसम उनको एक गाइडलाइंस दिया गया है कि अगर आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको इस गाइडलाइंस के अंदर में रह के काम करना है। एक बात का ध्यान रखिए कि ये NBDSA कोई भी गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको कि न्यूज़ चैनल्स ने मिल के बनाया है। कहने का मतलब है कि NBDSA को एक गार्जियन का इनको पोजीशन दिया गया है और NBDSA जो भी कहेंगे उस गाइडलाइंस को सभी न्यूज़ चैनल्स को मानना पड़ेगा। जब मैं सभी न्यूज़ चैनल्स कह रहा हूँ तो यहाँ पे प्राइवेट न्यूज़ चैनल की मैं बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल 28 अक्टूबर 2022 का है। तो इस डेटा के हिसाब से इनके पास 119 न्यूज़ चैनल्स हैं और करंट अफेयर्स चैनल्स हैं। कहने का मतलब है कि 119 जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन सभी को गाइडलाइंस देना, किस तरीके से उनको बिहेव करना है, किस तरीके से उनको अपने आप को न्यूट्रल रख के जो न्यूज़ है उसको बताना है, ना कि अपने आप को किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को एसोसिएट करके न्यूज़ बताना है। अब किसी भी देश में, खास करके किसी भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, मीडिया का रोल बहुत बड़ा होता है जो कि चीज़ों को काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाने का उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो कितनी बार ऐसा हो सकता है कि कोई भी न्यूज़ चैनल अगर कोई ऐसे न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उस न्यूज़ चैनल के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए NBDSA उस न्यूज़ चैनल को या ग्रुप ऑफ न्यूज़ चैनल्स को बचाते हैं ताकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को भारत में बचाया जा सके। अब किसी भी ग्रुप या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फंड चाहिए होते हैं, तो क्योंकि ये एक प्राइवेट बॉडी है इसलिए जितने भी न्यूज़ चैनल्स इसका हिस्सा है वो इनको इंडिविजुअली फंड करते हैं और उसी फंड से NBDSA चलता है या उसके जो कामकाज है वो फंक्शन करता है। इनका नाम है AK सिकरी और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज है और ये चेयरपर्सन भी है NBDSA का। क्योंकि खुद भी ये जज रह चुके हैं तो किसी भी चीज़ को जज करना एक आम जनता के लिए पॉसिबल नहीं है अगर उनके पास वो पर्याप्त क्षमता नहीं है। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज AK सिकरी सर एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है जिनके पास एक पर्याप्त एक्सपीरियंस है इस तरीके के बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। अब 2 मार्च को द इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपता है जहां पे आज तक न्यूज 18 इंडिया, टाइम्स नाउ भारत को पनिश किया जाता है और इनके कुछ एपिसोड्स को टेक डाउन करने का रिक्वेस्ट या कहले कमांड दिया जाता है। और सबसे अजीब बात है ना कि जब किसी भी देश में, खास करके भारत में, जब न्यूज चैनल्स अगर हेट्रेड या कम्युनल डिसहार्मनी को अगर फैला रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और NBDSA ने ये साफ साफ कहा है कि बीते 2 सालों में बहुत सारे ऐसे वीडियोस या एपिसोड्स पब्लिश किए गए हैं जो हेट्रेड को और कम्युनल डिसहार्मनी को फैला रहे हैं
और वही वजह है कि क्यों NBDSA उन सब एपिसोड्स को टेक डाउन करने का ऑर्डर जारी किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यूज 18 इंडिया की बात करूं तो यहां पे दो न्यूज एंकर हैं, अमन चोपड़ा और अमीश देवगन। अगर आप इनकी अगर आप स्टेटमेंट या इनके अगर आप वर्ड्स को सुनेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा आपको सुन के कि ये एक जर्नलिस्ट हैं और एक ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं जिनका काम भारत का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बचाना है। 2022 में एक मर्डर हुआ था जहां पे श्रद्धा वॉल्कर को उनके ही लिविंग पार्टनर अफ्ताब पूनावाला ने उसका मर्डर कर दिया था। अब यहाँ पे था कि अफ्ताब पूनावाला एक अलग रिलीजन का है, कहने का मतलब है कि वो मुस्लिम रिलीजन का है, और दूसरा श्रद्धा वॉल्कर एक हिंदू रिलीजन की थी। तो बीते कुछ सालों में एक कंसेप्ट मार्केट में आया है जिस कंसेप्ट को कहते हैं लव जिहाद। यहाँ पे इस कंसेप्ट में क्या कहा गया, तो इस कंसेप्ट में ये कहा गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी का लड़का अपना आइडेंटिटी को छुपा के वो हिंदू रिलीजन की लड़की से किसी भी तरीके से रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है और फिर उस लड़की को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करता है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं लव जिहाद। अब कितनी बार क्या होता है ना कि जो क्राइम होता है वो इंडिविजुअल क्राइम होता है, कहने का मतलब कि उसका किसी रिलीजन से या किसी धर्म से या किसी जाति से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप इस केस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे रिलीजन का कोई एंगल भी नहीं था, लेकिन जिस तरीके से इस मर्डर केस को एक कम्युनल एंगल दिया गया वो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है, और इस चीज को नोटिस करते हैं NBDSA। और उनका साफ साफ कहना होता है कि लव जिहाद को आप अपने मन से कहीं पे भी आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको जो मन करे बिना इन्वेस्टिगेशन का, बिना अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन का, आप किसी भी रिलीजन के लोगों के ऊपर इस तरीके से आप इंजाम नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही नव भारत टाइम्स में एक एपिसोड को पब्लिश किया गया था जो कि 31 मई 2023 को ऑन एयर हुआ था, जिसका टाइटल था लव जिहाद, जिसको कि होस्ट किया गया था हिमांशु दीक्षित के द्वारा। NBDSA का ये कंक्लूजन है या उनके फाइंडिंग्स में ये मालूम पड़ा है कि जो न्यूज एंकर थे वो पहले से ही अपने ओपिनियन को बना लिए थे। एक चीज का ध्यान रखा जाए कि कोई भी टीचर या कोई भी न्यूज एंकर, उनका काम ओपिनियन को बनाना या क्रिएट करना नहीं होता है, बल्कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो फैक्ट्स है, जो फिगर्स है, उसको रिप्रेजेंट करना होता है, और उसमें बिना अपने आप को अटैच किए हुए। इसी को लेकर टाइम्स नाउ का स्टेटमेंट आता है जहां पे वो लोग ये कहते हैं कि वो जो वर्डिक्ट दिया गया है NBDSA के द्वारा उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि अपनी गलती को वो मान रहे हैं, और ये भी साथ में इंश्योर कर रहे हैं कि इस तरीके का जो गलती है या जो मिस्टेक है वो दोबारा फ्यूचर में नहीं होगा। वैसे ही आज तक में एक न्यूज एंकर है जिनका नाम सुधीर चौधरी है, अगर आप इनकी बातों को सुनेंगे तो आप ये कह सकते हैं बहुत हद तक कि ये जो करंट सरकार है उनका ये जो अचीवमेंट्स है उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि जो रियलिटी है उससे बहुत परे चले जाते हैं। उसी तरीके से रामनवमी के टाइम 2023 में इंसिडेंट होता है जहां पे कम्युनल क्लैश होता है। अब ये जब भी कम्युनल क्लैश होता है तो इसमें पूरा का पूरा जो कम्युनिटी होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और ये एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली किस कम्युनिटी का कितना रोल था। तो जब भी एक पैन इंडिया तौर पे जब रिपोर्टिंग किया जाए तो हमें बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही वेल कैलकुलेटेड तरीके से करना चाहिए, ना कि अगर 3-4 लोग अगर एक ही कम्युनिटी के हैं तो हम उस पूरे कम्युनिटी को कभी नहीं कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा कम्युनिटी ही खराब है। ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे एग्जांपल्स हमें दिख जाएंगे जिसके ऊपर अभी भी NBDSA को एक्शन लेना बाकी है। बाकी ऐसा कहना टुकड़े टुकड़े गैंग या खालिस्तानी या किसी पूरे कम्युनिटी को ही टुकड़े टुकड़े गैंग कहना या खालिस्तानी कहना, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पिछले बार जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उस वक्त भी जो किसान हैं, जो सिख किसान हैं, उन सभी को बहुत हद तक खालिस्तानी कहा जा रहा था। एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम दूसरे के ऊपर जब कोई एलिगेशन लगाते हैं तो एक तो सबसे पहली बात कि हम उतने रिस्पॉन्सिबल है नहीं कि हम जजमेंट सुनाएं, और वही चीज़ जब ऑन एयर, जब टीवी पे आके जब ब्रॉडकास्ट होता है तो उसका बहुत बड़ा इम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि भारत वैसे ही इतना डाइवर्स देश है जिसकी डाइवर्सिटी को बचाना हर वक्त चैलेंज होता है। तो किसी भी कम्युनिटी के लिए इस तरीके का डेरोगेटरी रिमार्क्स को यूज़ करना कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अलग अलग चैनल्स के ऊपर अलग अलग फाइन्स लगाए गए हैं, हालांकि ये फाइन्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं
कि फाइन लगाना और इस चीज को पब्लिक डोमेन में लाना कि एज एन न्यूज एजेंसी आपको और रिस्पॉन्सिबल होना है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। वैसे ही ना कि भारत में बल्कि पूरे दुनिया में LGBT कम्युनिटी के लोग भी अपने हक, अपने डिमांड के लिए वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं। उसी के रिगार्डिंग NBDSA का ये फाइंडिंग है कि जो विजुअल्स यूज किया गया था बाय इंडिया टुडे वो कंप्लीट तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था और जो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी के साफ खिलाफ है। ये सब अगर कोई एक आदमी अगर ये गलती करता है तो वहां पे समझ में आता है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल था तो हो सकता है उससे गलती हो गया होगा। लेकिन जब आप एक न्यूज एजेंसी है, जब आपके पास रिसर्च के लोग हैं, आपके पास पैनल है, और ऐसी बात नहीं है कि ये सब गलती कोई एक बार हुआ बल्कि रिपीटेड ओकेजन्स में ऐसे गलती हुए हैं। और इसके अलावा भी, इस आर्टिकल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि आम जिंदगी में या तो आम लोग उसको नोटिस करते हैं। तो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि जो डिसीजन लिया गया था NBDSA के द्वारा इनको फाइन करने का, इनको पनिश करने का और ये न्यूज का पब्लिक डोमेन में आना, ये बताता है कि भारत में अभी भी बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग समय पे दिखाते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।